Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। और करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि पैसे निकालने के बाद एटीएम मशीन से जो स्लिप निकलती है वो स्लिप के रोल कैसे तैयार होते हैं, या फिर जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग के बाद जो बिल हमारे हाथ में आता है उस स्लिप के रोल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा दोस्तों रिटेल आउटलेट, शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट्स, ट्रेवल एजेंसीज, होटल्स, गैस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और भी काफी जगहों पे ऐसे ही रोल का यूज प्रिंटिंग रिसिप्ट के लिए काफी ज्यादा किया जाता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे थर्मल पेपर रोल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। हम जानेंगे कैसे हम कम पूंजी में अब थर्मल पेपर रोल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिंटेड रोल बना अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं, थर्मल पेपर हम केजी में खरीदते हैं और बेचते रोल में तो उसकी कॉस्टिंग और रॉ मटेरियल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मशीन की जरूरत होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, कैसे पेपर को प्रिंट कर सकते हैं और कैसे प्रिंटेड रोल तैयार कर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। दोस्तों थर्मल पेपर के जंबो रोल से छोटे छोटे रोल बनाने के लिए मेनली एक ही मशीन की जरूरत होती है जिसे थर्मल रोल स्लेटर कहते हैं, और थोड़ी ट्रेनिंग के बाद इस मशीन को ऑपरेट करना काफी आसान है। हमें बस मशीन के एक साइड पे थर्मल रोल को लगा देना होता है और फिर स्लिटिंग कर देनी होती है, और बाकी का सारा काम ये मशीन खुद कर देती है। दोस्तों आपको थर्मल रोल स्लेटर के बहुत से सप्लायर अपने इंडिया में ही मिल जाएंगे, या फिर भी नहीं मिलते तो आप कमेंट करके बताएं। और ये मशीन अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अलग अलग प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगी, और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस मशीन को खरीद सकते हैं। यानी आप चाहें तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं और चाहें तो फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं। और अगर बात करें इस मशीन के प्राइस की तो मार्केट में इसका रेंज 6 से 7 लाख रुपए से शुरू होता है, और मशीन के प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। और आप मशीन खरीदने से पहले इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर ले लें, या फिर अगर आप मशीन सप्लायर से बोलेंगे तो वो अपना एक इंजीनियर भी आपके पास भेज देगा जो आपके मशीन के इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपके ऑपरेटर या फिर आपको भी इसकी ट्रेनिंग दे देगा। दोस्तों नॉर्मली प्लेन थर्मल रोल से ज्यादा मार्केट में प्रिंटेड रोल के कस्टमर मिलते हैं, क्योंकि हर कंपनी अपने ब्रांड का प्रमोशन करना चाहती है और हर आउटलेट और शॉप प्रिंटेड रोल ही प्रेफर करते हैं। और दोस्तों प्लेन रोल से कहीं ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन प्रिंटेड रोल में है, इसलिए अगर आप अपने कस्टमर को प्लेन रोल के साथ साथ प्रिंटेड रोल भी बेचना चाहते हैं तो फिर आपको एक प्रिंटिंग मशीन और खरीदनी होगी, और इसके लिए आप छोटी फ्लेक्सो या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन खरीद सकते हैं जिसके जरिए आप अपने थर्मल रोल पे कस्टमर के डिजाइन को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा दोस्तों की शुरुआत में आप प्रिंटिंग कहीं बाहर से करवा लें, क्योंकि ये मशीन थोड़ी महंगी आती है और इसके लिए आपको कलर और प्रिंटिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। आप पेपर का रोल प्रिंटिंग वाले को दे सकते हैं और फिर वहां से रोल प्रिंट हो जाने के बाद मंगवाकर अपने मशीन से स्लिट कर अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों कुछ सप्लायर सिंगल कलर प्रिंटिंग के साथ थर्मल रोल स्लिटिंग मशीन भी बेचते हैं, तो आप चाहें तो वो मशीन भी खरीद सकते हैं, और मार्केट में सिंगल कलर प्रिंटिंग के साथ स्लिटिंग मशीन 11 से 12 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हम थर्मल पेपर का ही यूज क्यों करते हैं प्रिंटिंग रिसिप्ट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि थर्मल पेपर पे प्रिंटिंग काफी क्लियर होती है नॉर्मल पेपर के कंपैरिजन, और ये काफी सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं। साथ ही साथ इस पे की गई प्रिंटिंग काफी लंबे समय तक रहती है, इसलिए किसी भी प्रिंटिंग रिसिप्ट के लिए थर्मल पेपर का ही यूज किया जाता है। दोस्तों आपको इंडिया में ही थर्मल पेपर के जंबो रोल के काफी सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, और आपको हर बड़े शहर में इसके बहुत सारे वेयर हाउस भी मिल जाएंगे। अपने इंडिया में ही बहुत से पेपर मिल है जो केवल पेपर का रोल मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ITC, खन्ना पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल इत्यादि, और फिर भी नहीं मिलते तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर बात करें थर्मल पेपर के प्राइस की तो थर्मल पेपर नॉर्मल पेपर से थोड़े महंगे होते हैं, और ये पेपर आपको मार्केट में 80 से 120 रुपीस पर केजी के हिसाब से मिल जाएंगे, और ये रेट हर एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और अगर बात करें कि रोल बनाने के लिए कितने GSM का पेपर चाहिए, तो नॉर्मली 50 से 55 GSM का पेपर यूज किया जाता है ATM और दूसरे प्रिंटिंग रोल को बनाने के लिए, और पेपर का प्राइस उसके GSM के हिसाब से ज्यादा और कम होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जंबो रोल से छोटे छोटे रोल बनाने के लिए पेपर कोर और पैक करने के लिए पैकिंग बॉक्स की भी जरूरत होगी। दोस्तों आपको थर्मल पेपर के बड़े रोल अपने स्टॉक में रखने होंगे ताकि आप अपने कस्टमर को थर्मल रोल बना सप्लाई कर सके, और आप थर्मल रोल के बड़े रोल खरीद सकते हैं, यानी आपके मशीन के शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज है उससे कम, जैसे 700 mm, 800 mm, 900 mm इत्यादि। और इस बिजनेस की खास बात ये है कि आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं केजी में और बेचना आपको मीटर में होता है, क्योंकि थर्मल रोल मीटर में मार्केट में बिकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम इसकी प्लानिंग और कॉस्टिंग कैसे करें ताकि हमें अपना थर्मल रोल लॉस में ना बेचना पड़े और हमें मार्केट से अच्छे ऑर्डर मिलते रहे। एग्जांपल के लिए मान लें कि अगर कस्टमर आपको जब ऑर्डर देगा तो बोलेगा कि हमें 80 विड्थ का रोल 40 मीटर में 1000 पीस चाहिए, और आपको रॉ मटेरियल्स कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों ये मीटर से
से केजी में कन्वर्ट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। दोस्तों ऑर्डर के हिसाब से 1000 पीस 40 मीटर में बनाने के लिए आपको 40000 मीटर चाहिए और आपके द्वारा यूज होने वाली पेपर का जीएसएम 55 है और जम्बो पेपर रोल का वेट 500 एमएम है। इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको 1100 केजी पेपर की जरूरत होगी जिसमें आपको 2-5% तक वेस्टेज भी ऐड करना होगा, यानी आपको इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अप्रॉक्स 11-22 केजी पेपर की जरूरत होगी। और वहीं दोस्तों सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको इसकी कॉस्टिंग करनी होगी और आपको हर वो एक्सपेंस ऐड करना होगा जो किसी एक ऑर्डर के लिए आप खर्च करने वाले हैं या खर्च कर चुके हैं। इसके अलावा आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना होगा। प्रॉफिट मार्जिन आप अपने एरिया के कंपटीशन के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों कॉस्टिंग के बाद आप पाएंगे कि आप इस बिजनेस के जरिए काफी अच्छा प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। दोस्तों आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कोई एक आदमी सिर्फ मार्केटिंग का काम संभाले और अलग अलग जगहों पे जैसे मॉल्स, रिटेल आउटलेट, गवर्नमेंट शॉप या फिर होटल रेस्टोरेंट में घूम घूम के आपके थर्मल रोल का प्रचार करें। आपको अपने टारगेट कस्टमर को ढूंढना होगा और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को indiamart.com, tradeindiasulekha.com या फिर येलो पेजेस पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। और दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी बता सकते हैं और हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले के पास।